Hello, students. I am fine. I hope you are also fine. I will teach you today SCF and LCM. In previous time, I have taught you SCF one time, another time SCF, another time LCM. ये हमने आपको बताया था वन टाइम केवल SCF निकालने को, another time में LCM बताया था. तो ये लेकिन आज जो है, आज एक ही क्वेश्चन में दोनों HCF और LCM कैसे फाइंड करते हैं, ये चैप्टर नंबर 4D के क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो भी नंबर यहाँ पर है इसको हम कॉपी करेंगे. 1 1 7 इक्वल 2 2 1 इक्वल. इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे. इसके फैक्टर यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हैं, कहीं पर भी फाइंड कर सकते हैं. ये देखिए, 2 से डिविजिबल बाय नहीं है तो 3 से करेंगे. 3 3 9 और 3 9 27, 3 बन गया, 3 3 जा. अभी 13 जो आ गया वो प्राइम नंबर है. अब इसके फैक्टर ऐड करिए, 33 × 3 × 30. अब यहाँ पे प्लस की शॉर्टेज है इसलिए इसको रिलीज करेंगे और इसको नंबर को फिर से ऐड करेंगे, 2 2 1. नेक्स्ट, अब ये 2 से तो होगा नहीं, ये 3 से करेंगे, 3 से भी नहीं होगा है? अब ये नंबर किससे होगा, 2 2 4 1 5, 2 से ये होगा नहीं. 3 की डिविजिबिलिटी भी ये होता है, सबको ऐड कर लीजिए, 2 2 4 1 5, 5 से ये यहाँ पर 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए. 6 से करेंगे नहीं क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है. 7 से करेंगे, 7 3 21, 7 से भी नहीं होगा. 9 9 से भी नहीं होगा. 11 11 से भी नहीं होगा. और 13 से, 13 13 बन जा, 13 बन जा 13. और यहाँ पर जब 13 माइनस करेंगे हम 22 से तो हमारा आएगा 9. 13 7 जा 91. हेयर इज 17. अब यहाँ पर इसके फैक्टर 13 × 17. अब इसमें पहले आपको SCF निकालना है. तो अब आपका ये नंबर और ये नंबर मिल रहा है, यहाँ पर ऐड करेंगे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, फैक्टर्स ऑफ 1 1 7 एंड 2 2 1 इज 13. सो HCF इज 13. अब हमें इसी में LCM निकालना, तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, जो ये नंबर फर्स्ट रो कंप्लीट, तो यहाँ पे क्या राइट करते हैं, फैक्टर ऑफ, ये कॉमन नहीं राइट करते, फैक्टर ऑफ, FACTOR, फैक्टर ऑफ 1 1 7 एंड 2 2 1 इज. अब इसके जो भी फर्स्ट रो कंप्लीट, 3 × 3 × 13. अब नीचे वाले में देखिए, जो आपके सर्कल में आके उनको राइट नहीं करने हैं, है? जो आउट ऑफ सर्कल है उसको राइट करना है. ये आपने 17 ये, सॉरी ये. अब इन सभी को इंटू करना है, 3 दीजिए 9, 13 है 117, 3 दीजिए 9 117. अब 17 से इसको इंटू करना है, 17 से. जब हम 17 से इंटू करेंगे तो 7 7 49, 4 कैरी, 7 7 7 4 11, 1 1 कैरी, 7 7 7 7 और 1 8. इसके नीचे राइट नहीं करेंगे, 1 7 जा 1 1 जा और 1 1 जा. हियर इज 9 8 9 1 1 9 8 9. सो एल सी एम इज 1989. ओके, आई कैन रिज इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी. जैसा कि इसको राइट किया सेम एज इसको राइट करेंगे, 2 3 4 5 7 2. इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे,
2, 3, 4। अब इसकी ये डिविजिबिलिटी में आता है आपको 2 की डिविजिबिलिटी में, 2, 2 बन जा, 2 बन जा और 2 7 जा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये नंबर 17 था वो 3 में आया था, 3, 3 3 जा 9, 9 3 9 जा 27, 3 बन जा 3 3 जा 13 बन जा। इसके जो फैक्टर्स हैं आप ऐड करेंगे 2 × 3 × 3 × 30 ये नंबर है। अब इसको इरेज कर सकते हैं, इसको इरेज करने के बाद जो ये नंबर है आपका, इस नंबर को राइट करिए 5, 7, 2। इसके फैक्टर फाइंड करेंगे 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 4 जा 2 3 जा। अभी देखिए 3 से 4, 3 7 1 8, ये 8 है 3 में भी नहीं आता है, 4 से कर नहीं सकते क्योंकि 4 प्राइम नंबर में होता है, 5 से होगा नहीं, 6 से नहीं करेंगे 6 प्राइम नंबर में, 7 से होगा नहीं, 8 से करते नहीं क्योंकि 8 प्राइम नंबर है नहीं, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, 10 से भी नहीं करेंगे, 11 से करेंगे, 11 बन जा 11 11 और 11 3 जा 33 30 30 में। अब इसके लिए क्या क्या हुए 2 × 11 × 30। अब देखिए इसमें ये आपका सेम नंबर है और ये आपका ये सेम नंबर है और कोई नंबर नहीं मिल रहा है, जो आपने की वर्डिंग ये है वो हम यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2, 3, 4 and 5, 7, 2 इज, अब इसमें ये 2 मिल रहा है आपको इंटू 13 ये, अब इसके अलावा कोई नहीं है तो 13 × 26 यहाँ पे राइट करेंगे 26। सो एच आपने फंड क्या किया एस सी एफ, एच सी एफ इज इक्वल 26। जैसे कि वर्डिंग यहां पर थी सेम वर्डिंग आएगी फैक्टर ऑफ 2, 3, 4। फैक्टर्स भी कर सकते हैं, फैक्टर भी कर सकते हैं, दोनों वर्ड कर सकते हैं, एंड 5, 7, 2 इक्वल। अब फर्स्ट होल रो जो भी नंबर है 2, 3 × 3 × 13। अब इसमें जो नंबर आपके नहीं है वो एक 2 था, एक 11 था, 11। अब इसको हम इंटू करेंगे 2, 3 जा 6, 6 जा 18, 18 13 से इंटू करेंगे, 13 8 जा 104, 13 1 जा 13, 13 और 10 23, 11 2 जा 22। इसमें 2, 3, 4, 11 2 जा 22 से इंटू कर दीजिए, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। हेयर इसको ऐड करेंगे 14 1 5, तो इसका 5148। यहाँ पर क्या LCM, सो LCM इज 5148, सेम एज क्वेश्चन नंबर सी करेंगे। ओके okay.